हेलो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और दवाइयों की कमी, सैनिक घायल थे और इलाज नहीं था। एक नर्स ने नमक पानी के घोल को इंजेक्शन में भरा और सैनिकों को लगाना शुरू किया। धीरे धीरे सैनिकों को बेहतर महसूस होने लगा। उस आर्मी कैंप में मौजूद डॉक्टर हेनरी बीचर जब वर्ल्ड वॉर के बाद लौटे तो उन्होंने रिसर्च की कि क्यों उन सैनिकों को बेहतर महसूस हुआ जबकि उस सीरीज में साधारण सा नमक पानी का मिश्रण था। 1955 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर रिलीज किया जिसका नाम था द पावरफुल प्लेसिबो। जो इन सैनिकों के साथ हुआ उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है आपके एक्सपेक्टेशंस पर, आपकी आशा पर। आपको जब डॉक्टर दवाई देता है तो आप उम्मीद करने लगते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे और आपका दिमाग ऐसे केमिकल छोड़ता है जिससे आपको फायदा महसूस होने लगता है। प्लेसिबो इफेक्ट में पेशेंट को चीनी की बनी गोलियां, नॉर्मल इंजेक्शन, यहां तक कि नकली ऑपरेशन भी किए जाते हैं और इससे लोगों को फायदा भी होता है। इससे दिल की बीमारियों से लेकर अस्थमा जैसी बीमारियों में फायदा हुआ है। यह इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि प्लेसिबो इफेक्ट का यूज अमेरिका में दवाइयों के टेस्टिंग में किया जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट है। प्लेसिबो का एक अपोजिट इफेक्ट भी है जिसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। नोसिबो इफेक्ट निगेटिव, आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसे बेकार कर देता है। अगर आप यह सोच लेते हैं कि मुझे इस दवाई से कोई फायदा नहीं होगा तो फिर से आपका दिमाग आपने जिस चीज की उम्मीद की है वही करेगा, मतलब आपके दवा को बेअसर कर देगा। एक अपराधी को मौत की सजा दी गई। अपराधी को सांप से कटवा कर मारा जाना था। तब कुछ रिसर्चर्स ने कोर्ट से परमिशन लिया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उनको परमिशन मिल गई। उन्होंने उस कैदी की आंखों पर पट्टी बांध दी और सांप से कटवाने की जगह दो पिन चुभो दिए और वह कैदी मर गया। रिसर्चर्स ने जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उस कैदी में वही जहर था जैसा सांप द्वारा काटे जाने पर होता है। ये जहर उसके दिमाग ने बनाया था। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है। आप जो दवाई लेते हैं उससे आप जैसा उम्मीद करेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए डॉक्टर पर और दवा पर भरोसा रखिए और इस उम्मीद के साथ दवा खाइए कि आप ठीक हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी वीडियोज लाता रहूँगा। सरल बने, सफल बने। धन्यवाद।